सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबर के इस बुलेटिन विच निघा स्वागत करती हां। आओ सब तो पहला नजर मार लैनी आज दियां चोड़वीं खबरां ते। बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी ते तीन दिन लई लगी रोक, सरकार कोल ढुकवे सबूत हन, मजीठिया खिलाफ केस चलाउण लई कहा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। सुखबीर सिंह बादल ने कहा बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदलाखोरी, नहीं रहे पंजाबी दे मशहूर गीतकार देव थरीके वाला। राहुल गांधी 27 जनवरी नूं पंजाब दौरे ते, जलंधर च करनगे पंजाब फतेह रैली। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ होर खबरां। श्रोमणी अकाली दल दे मुख आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों वड्डी राहत मिली ए। अगाऊं जमानत रद्द होण मगरों जिथे पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस बिक्रम सिंह मजीठिया नूं गिरफ्तार करन दी जल्दी च है, उत्थे हुण हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया नूं सुप्रीम कोर्ट च अर्जी दायर करन लई तीन दिनां दा समां दित्ता है। हाई कोर्ट वल्लों दित्ती सहूलत अज तों ही शुरू हो चुकी है। इस हुक्म दे पारित होण मगरों हुण तीन दिनां तक पुलिस बिक्रम सिंह मजीठिया नूं गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों कल अगाऊं जमानत खारिज कीते जाण तों बाद अज पंजाब पुलिस दी टीम ने सीनियर अकाली आगू अते साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया दे घर छापा वी मारिया। वीरो हुणे हुणे जिद्दां आपां पहलां तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि किस तरीके दे नाल हाई कोर्ट दे आर्डर दी बिना वेट कीते पंजाब पुलिस एड्डी तत्पर हुई सी कि सियासी बदलाखोरी दे तहत रेडां कर रहे सी, ते हुण माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दा आर्डर आ गया है, ते उन्होंने सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दी गिरफ्तारी ते फिर दोबारा रोक लगा दिती है और उन्होंने समा दिता गया तां कि जिहड़ा वो टैक्निकल इशू है सैक्शन 37 वाला सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा कहिंदा कि 37 च किसी नूं एंटीसपेटरी बेल ना दिती जावे। सो हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया साहब की गिरफ्तारी ते रोक लाउंदे होए उह समा दिता कि सुप्रीम कोर्ट अगे जाके केस दे मैरिट्स रख सकन। हुण मैं सवाल करदा पंजाब पुलिस तो वह अफसरां तो जिन्होंने बिना हाई कोर्ट दे आर्डर दी वेट कीते ये सियासी जिहड़ियां आकावां नूं खुश करन लई रेड़ां करनियां शुरू कर दित्तियां सी, हुण अगे आओ ते दसो इस गल लई कौन जिम्मेवार है, किहदे हुक्मां दे उत्ते इह रेड़ां बिना हाई कोर्ट दा आर्डर लीते कीतियां गईयां, की हुण इह कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं। हुण DGP साहब इस गल नूं दसण कि जिहड़े इह कोर्टां दे आर्डर दी अवमानना होई है, कोर्ट तो बिना पुछे रेड कीती गई है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत कल रद्द हो गई सी। फिलहाल मजीठिया की गिरफ्तारी से तीन दिन रोक लग गई है। मजीठिया की गिरफ्तारी से रोक तो बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा 5 जनवरी नूं केस लगा सी, जिस मगरों श्री अकाल तखत के जथेदार ने कहा सी कि पंथक संकट आ गया ते एक कमेटी भी बनाई। रंधावा ने कहा सिर्फ एक ही पार्टी सिखां दी नुमाइंदगी करती है कि मैं गुरु घर का सेवक नहीं, जिहड़ा बादलां नाल सहमत है वह गुरु घर का सिख है। रंधावा ने मजीठिया ते हमला बोलदे कहा मजीठिया दे पंजाब चाउण नाल माफिया भी आ गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार कोल ढुकवें सबूत हन, मजीठिया खिलाफ केस चलाउण लई। वेखो जिहड़ा बंदा पोलिटिकल बंदे जदों केस बणदे ने पोलिटिकल बंदे बहुत वड्डे जलसे जुलूस लैके जांदे ने, ते जे नशे दे विच जिस बंदे ते FIR रजिस्टर्ड होई होए उहनूं विद कंडीशनज उहनूं बेल मिली होए इंटर्न बेल मिली होए, तू मोबाइल नहीं बंद करना, तू अपनी लोकेशन दसेंगा, तू सारा कुछ करेगा, तो वह बंदा आके ओपनली चैलेंज करे तो वो गल बनदी। तो ये कहना कि लखां मावां दियां अरदासां दे नाल मैनू ये जमानत मिली है, तो मैं पूछना चाहुंदा कि जिहड़े हजारां नौजवान नशे की भेट चढ़ गए ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਸੀਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ED ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ED ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ
कि जेडे पंजाब दे विच ड्रग ते जां जेड़ा माफिया सी तुसीं प्रेस वाले सारे बैठे हो, साडे प्रधान ने, प्रधान जी बैठे ने, ये भी साडे पहला प्रधान रहे ने, अज एम पी ने, तुसीं 2008 तो पहला पंजाब दे विच किसे ने माफिया नां दी गल सुनी सी, किसे ने चिट्टा सुनिया सी, किसे ने काले दा नां सुनिया सी? जिस वेले इन्ना सरदार साहब ने पैर पाए उस वेले तो बाद इस पंजाब दे विच चिट्टा भी आ गया, माफिया भी आ गया, केबल माफिया भी आ गया, ट्रांसपोर्ट माफिया भी आ गया, होर सारे माफिया जिहड़े लिया के ते और लोगों नूं तौंस जिहड़ी जजमेंट आ उहदे मुताबिक उन्होंने कहा इररेगुलैरिटी इनफॉर्मिटी और इल लीगैलिटी इन द ओपीनियन रेंडर्ड बाय द लर्नड एडवोकेट जनरल पंजाब एज डिटेल्ड इन एफ आई आर नंबर 2 डेटेड 20/12/2021 इन माई कंसिडर्ड ओपीनियन देयर इज इंडीड नो एम्बार्गो ऑन बार अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोसीडिंग टू रजिस्टर एफ आई आर अगेंस्ट द पटिशनर इन द इन केस इट हैज फाउंड that there is a sufficient material to proceed against him ke tade kol pura sufficient tade kol material hai ke ide tusi against ja sakde ho there is a specific observation by the division bench of this high court that the law enforcement agency shall proceed strictly in accordance with law in the matters with their purview ये उन्होंने जिहड़ी मेन जिहड़ी उन्होंने कही आ इहदे विच अज मैं कहना चाहुंदा कि जिहड़े साडे ते एलीगेशन लगदे सी कि पंजाब गवर्नमेंट ने कर रही आ बादल साहब ने भी कहा सी कि वेंडेटा हो रहा मैं उन्होंने पुछना चाहुंदा कि बादल साहब अज जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट ने फैसला दिता ये वेंडेटा कि जां पंजाब दे लोकां दीआं बद असीसा जिहड़ियां जिन्हां दे बच्चियां नूं इन्ना कुछ सहना पिया हुआ। दूसरा तुसी इन्होंने ये भी लिखिया जिस वेले सरदार साहब नूं जिहड़े बहुत वड्डे अकाली दल दे लीडर ने इन्हां नूं जिस वेले जबानी ईडी ने पुछया कि तुसी सतप्रीत सिंह सत्ते नूं जाणदे हो इन्हें उस वेले क्या कहिंदा सत्ता सुखी मुखी जग्गी घुग्गी कहिंदा मैनूं तां कई मिलदे सी मजाक करदा हुंदा सी ते उहदे बाद आप ही इन्हें कहा कि प्राइम मिनिस्टर के उतों के प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन मैं गया उत्थे मैनू ये मिले ने आया बंदे मिले ने ते औलख ने आप क्या स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट ईडी किया ते जिहड़ा पिंदी आ वह मैं इनू मिलाया फिर इन्हें ये भी गल कही कि उन्होंने जो पूछया ईडी ने पूछया कि तेरे को फोटोग्राफ्स है इन्हें कहा नहीं मेरे को मेरे उस टाइम के फोटोग्राफ्स गुम हो गई तो कोर्ट के लिख के दे दिया कि मैं ईडी ने जी सा इनवैसटीगेशन एजेंसी सी पंजाब पुलिस की तो उन्होंने कहा तेरे को फोटोग्राफ्स उस टाइम दी इन्हें कहा मेरे कोई फोटोग्राफ कोर्ट से लिख के दे रहा कि मेरे को फोटोग्राफ्स है मेरे को वीडियो भी है अपनी मैरिज दी और मैं डी जी पी लैवल किसी ऑफिसर देंगा इस करके इस आदमी ने बिल्कुल पंजाब पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया ना ईडी किया जरूर है कि 2000 जो केस बनिया उस वेले तो लैके हुण तक भावें साडी सरकार सी मैं तो बिल्कुल तुसीं मैनूं सवाल भी पुछोगे कि कैप्टन साहब ने क्यों नहीं किया तो तुसीं यह भी पुछोगे कि इन्ना चिर केस नूं किवें किया सिर्फ सानूं 111 दिन मिले उन्हां 111 दिनों दे विच साडे लई कई हर्डल सी जिहड़ा 10 साल इन्हां दा राज ते 4.5 साल साडे सरदार साहब दा राज पुलिस दे उत्ते सारिआं दा प्रैशर सी पर उह प्रैशर उन्हां नूं उन्हों का प्रैशर खत्म करना उन्होंने गल करनी लॉजिकली उन्होंने गल करनी कानूनी तौर पर करनी कि जे ये तो नहीं केस बनता बिल्कुल ना बनाओ तो जे जे कानून कहता वो केस बना बन वो जो केस है लोगों इंसाफ देना पेगा सानू।
श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जिथे अज पूरा दिन अपने उम्मीदवारों के हक च चोण प्रचार करते रहे उत्थे शाम नूं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही अपने आप नूं अकाली बसपा का आगामी चोणां लई मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान दिता। हालांकि नाल बैठे महेश चंद्र गरेवाल ने कहा कि एक और कमेटी का फैसला है। उत्थे प्रकाश सिंह बादल दे चोणां लड़न संबंधी उन्होंने कहा कि फिलहाल इस ते कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ते ऐलान किया जाएगा। सुखबीर बादल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही बिक्रम मजीठिया से लगे इल्जामों नूं लैके की थी अते कहा कि चन्नी की सरकार ने मजीठिया नूं जेल भेजने लई पूरी व्योंतबंदी बनाई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जेकर मजीठिया के खिलाफ नशे के व्यापार संबंधी कोई भी सबूत पेश कर दे तो वह राजनीति छड़ देंगे। जे बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक भी सबूत कोई लिया दे ड्रग्स का सुखबीर सिंह बादल सियासत छड़ दूंगा। आ सारा कुछ झूठ ते फरेब बनाया क्योंकि उन्होंने पता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया अगे होके इन्हां सैन माफिया मुख्यमंत्री ते दूजे नवजोत सिद्धू के खिलाफ लड़ाई लड़ी इन्हां दे इक्को एक मन है किवें ना किवें इहनूं अंदर करना बाद देखी जाऊगी। एक भी सबूत इहनां कोले नहीं कोई पंजाब दा बंदा एक भी सबूत दे दे ते असीं सियासत छड़ दांगे। ते जिहड़े झूठे केस कीते है झूठे केस करने भी पाप है ते पाप नहीं क्रिमिनल एक्ट है ते थोनू प्रूव करांगे जदों सरकार बनी किने किने साजिश की किवें साजिश हुई कितने बह के साजिश हुई जो चट्टोपाध्याय अरैसट किया तो उदो सारिया पोल खुलन गए वो सानू पूरा फेथ जुडिशरी ते है। हाई कोर्ट ने जिहड़ी बेल रिजेक्ट की है टैक्नीकल क्राउन क्योंकि इन्होंने पता सी कि सैक्शन 37 ला दिओ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नवी आई है कि सैक्शन 37 दे विच जिहदे लग्या होए उहनूं प्री रेस्ट बेल नहीं देनी सारे वास्ते एक ते हिंदुस्तान च उहने आह वी किहा कि जिथे भी प्री रेस्ट बेल ओह कैंसल करो जिथे जिहदे ते 37 लग जे सैक्शन इहनां नूं ओही देख के इहनां लाया बिक्रम सिंह मजीठी दा कि इहदी प्री रेस्ट बेल कैंसल होए। पर असीं सुप्रीम कोर्ट अपील लॉयर्स की अपील करन लगे है अपील कर लगी है तो सानू पूरा उम्मीद है कि जस्टिस विल प्रवेल क्योंकि झूठ झूठ ही हुंदा जिन्ना मर्जी ड्रामे कर लैन। मैं पंजाब सरकार चट्टोपाध्याय तो पंजाब के होम डिपार्टमेंट पूछना चाहना है आ जिहड़ा मूसे वाला है इहदे खिलाफ केस है एब्सकॉन्डिंग है उस केस नंबर वन केस मूसे वाला दा उस ही थाने च उहनू क्यों नहीं फड़ रहे। चन्नी दे भरा दे कोलों 11 करोड़ रुपया लभ्या उहने क्यों नहीं खड़ रहे। इत्थे जिहड़ा आ बैंस भरा है रेप दा केस है रेप दा केस इत्थे तुरे फिरदा रोज़ अखबारां च आउंदे आ उहनू क्यों नहीं पुलिस पड़ रही। पंजाबी दे मशहूर गीतकार देव थरीके वाला नहीं रहे। सैकड़े गीत ते साहित पंजाबियों की झोली पाउण वाले देव थरीके वाला दे अचानक विछोड़े नाल पंजाबी गीतकारी दे एक युग दा अंत हो गया है। पंजाबी गीतकारी दे बाबा बोड़ देव थरीके वाला अज अचानक दिल की धड़कन रुकन कारण चल वसे उन्हां दा अंतिम संस्कार पिंड थरीके विखे कर दिता गया। हरदेव दिलगीर उर्फ देव थरीके वाला दा पंजाबी साहित्य पंजाबी गायकी विच वड्डा नां सी। उन्हां ने सैकड़े दोगाणे कलियां ते लोक गाथावां तों इलावा 4 दर्जन दे करीब किताबां लिखियां। उन्हां दे लिखे गीत कुलदीप माणक सुरिंदर शिंदा सने पंजाबी दे कई कलाकारां ने गाए। उन्हां ने अध्यापक दी नौकरी वी कीती। उन्हां दा पहला गीत 1961 विच रिकॉर्ड होया सी। मैं यही कह सकदा इक बहुत ही खूबसूरत कलम पंजाब दे विचों उठ गई है। परमात्मा ने साथों वो कलम खोली है जिस तो हाले भी बहुत बड़िया संभावनावां सीगियां। उन्होंने सारी जिंदगी पंजाबी मां बोली की सेवा की है। पहला अध्यापक रहे मुड़ के गीतकारी दे विच कलियां लिखण दे विच और हुण तां उह होर भी एक गाथा लिख रहे सीगे मैनूं दस्सिया सी उन्होंने
पर मैनू नहीं पता वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। मैं समझदा जिथे परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया उत्थे पंजाबी मां बोली दी सेवादार दे जान करके पंजाबी प्यारे नू बहुत बड़ा घाटा पिया। वाहिगुरु अपने चरणों में उन्होंने जगह देवे ये नहीं कह सकता। उन्हों का कहड़ा गीत है जिहड़ा पंजाबी लोग नहीं जानते? कुलदीप माणक जी ने जो आप जी ने हमेशा ही नाल रहे उन्होंने जो साहब ने उन्हों का गाया बहुत चलो बहुत पुरानी गल है। मैं भी बच्चा सीगा जी, मेरा मतलब है भी वो बहुत अच्छे गीतकार बहुत अच्छे पंजाबी मां बोली के सेवादार पंजाबी का प्रसार करने वाले ऐसे कवि सन ऐसे गीतकार सन। अज जदों साथों वो विछड़ गए तो पंजाबी प्यारियां नूं पंजाबी मां बोली दे प्यारियां नूं बहुत बड़ा घाटा पिया। वाहिगुरु अपने चरणों में उन्हें जगह देवे और सानू सारियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। गल ये भी अज जिहड़ी संगत इकट्ठी हुई है साढ़े बहुत इस्तकारयोग साढ़े उस्ताद गीतकार देव थरीकियां वाला भाई जी उन्हां दी याद भी रहेगी ते अज दा जिहड़ा उन्हां दा विछोड़ा ये भी नहीं भुलण वाला। बाकी देव थरीकियां वाला किसी ने बन नहीं जाना। मेरा एक गीत भी 40 पिंडां दी जमीन लुधियाणा खा गया तो देव भाई का सी इन्हें धार्मिक गीत भी गए गीत काफ़ी मैं गाए भी लुक लुक रोंदी अंबड़ी नाले दाज बनाउंदी आ लाख हिस्सा दिया तहां विच संदूक दे पाउंदी आ नहीं कुड़ी ओनी चिड़ी ओ कुछ तो सोच विचार लवो मामा कोलों लोरियां बाबल कोलों प्यार। बड़े अच्छे अच्छे गीत इन्होंने लिखे आ माँ होंदी है माँ दुनिया वाले माणक साहब ने रहदी दुनिया तक रहूगा गीत। मेरे ख्याल भी देव थरीके वाले का नौवां है जिहड़ा ये वजी साढ़े उस्ताद लोग ने साढ़े जिन्हें साढ़े कलाकार साढ़े गीतकार इन्ह का बहुत माण करते आम सज्जन भी इन्हों का बहुत माण करते। बाकी साड़ी पंजाबी सभ्याचार में बहुत ना पूरा होने वाला घाटा पे इन्हों का। गुरु महाराज अगर अरदास करते हैं कि महाराज परमात्मा इन्हों अपने चरणों में रखे। पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र इंडियन नैशनल कांग्रेस दे जनरल सकत्तर राहुल गांधी 27 जनवरी नूं पंजाब फेरी ते आउणगे। पंजाब कांग्रेस दे वर्करां ते आगुआं वल्लों राहुल गांधी दी फेरी नूं लै के भरवां उत्साह पाया जा रहा है। ओह इस दौरान सूबे दे जलंधर छौणी विखे एक वर्चुअल रैली नूं संबोधन करनगे। इस तों इलावा श्री दरबार साहिब अमृतसर अते श्री दुर्गियाना मंदर विखे पंजाब कांग्रेस दे समूह 117 विधानसभा उम्मीदवारां नाल नतमस्तक वी होणगे। श्री काली माता मंदिर च बेअदबी दा मामला हुण जोर फड़न लगा है। इस नूं लै के सियासत भी गरमा गई है। बेअदबी दे विरोध च मंगलवार नूं शहर बंद रहा। हिंदू जथेबंदियां ने अंदरूनी बाजारां विच शर्ती फूक मार्च कढ़िया ते सूबा सरकार खिलाफ नारेबाजी कीती। तड़िपड़ी टाउन विच दुकानदारां ने बाजार बंद करके नारेबाजी भी कीती। इस तों इलावा मंगलवार नूं पटियाला दी संसद मैंबर परनीत कौर ने पटियाला दे इतिहासिक मंदिर श्री काली देवी विच बेअदबी दी कोशिश दी घटना दी निखेधी कीती है। इस संबंधी उन्हां ट्वीट करके कहा कि निंदण योग है। असीं किसे नूं वी सूबे दा माहौल खराब करन दी इजाजत नहीं देवांगे। उत्थे ही इस घटना तों बाद भगवंत मान पटियाला विखे श्री काली माता मंदिर पहुंचे ते घटना दी निखेधी कीती। असीं पहलां वी खदशा प्रगट कीता सी कि वोटां दे माहौल वेले हुण वी होऊगी भावें ओह लुधियाणे दा ब्लास्ट होवे भावें दरबार साहिब जा के बेअदबी दी कोशिश होवे भावें काली माता दे मंदिर दे विच असीं पंजाब की अमन शांति लई दुआ मंगण आए हैं और अपील भी करते हैं पौने तीन करोड़ पंजाबियों नूं कि पहला भी बहुत सारिया कोशिशां होईयां नफरत के बीज बीजण दीआं आपां अपना भाईचारक सांझ नहीं तोड़नी। यह जिहड़ियां चालां चल रहे हैं यह आपां कामयाब नहीं होण देणियां। सवाजा शरीर दी मत्था टेकी अज्ज पटियाला बंद का ऐलान भी सीगा ते बंद भी कीता गया है। सरहद पर तनाव है क्या पता करो देश में चुनाव है क्या तो लोगों डराने की राजनीति लोगों मतलब एक तरह का डर पैदा करने की राजनीति जी है वो की जाती है। पर इस बार पंजाब के लोग डरते नहीं पंजाब के लोग बड़ी वड्डी कहानी लिखण जा रहे हैं अपने आप को वोटा पा रहे हैं और इस तरह घटनावां दी असीं सख्त शब्दां च निंदा करते हैं। तो मजबूत सरकार आऊगी आम आदमी पार्टी की तो सारिया घटनावां दी मास्टर माइंड जिहड़े कितने होर बैठे ने उन्हां नूं उत्थे तक पहुँच के ताकि फिर दोबारा ना कोई होर हिम्मत कर सके ऐसी मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। अंदर आता मतलब लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी रखी गई है और देखो ये तो खैर कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है डीसी साहब ही जो ओवरऑल तो इंचार्ज ने तो बाकी
ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ रूपनगर नेड़ले पिंड खैराबाद दे स्वरण सिंह पुत्र अमर सिंह पिंड ने कर्जे तो परेशान होकर खुदकुशी कर ली है जानकारी अनुसार उस कोल 2.5 किले जमीन सी ते सिर कर्ज सी जिस तो परेशान होकर अज सवेरे 8:30 बजे के करीब कोई जहरीली चीज निकल के स्वरण सिंह ने खुदकुशी कर ली उसके पुत्र हरमीत सिंह ने दसिया कि अज बैंक वालिया ने घर आना दी जिसके चलद उसका पिता बेहद परेशान सी हरमीत सिंह ने दसिया कि उन्होंने सिर ते 3 लाख का कर्जा सी हालांकि वह किश्ता भी दे रहे सन पर स्वरण सिंह कर्जे के बोझ हेठ ही मानसिक दबाव हेठ रहा सी मेरे फादर साहब थे उनका नाम स्वरण सिंह जी है तो वो थोड़ा जा डिप्रैशन जरा थोड़ा जा कर्जा भी लिया हुआ जी तो हो गए 3 साल से लिया हुआ सर एक किस्त रही थी किस्त लई थी आनी थी देनी थी अभी ता करके अज उन्होंने बैंक वाले ने घर आना सी इसलिए वह थोड़ा जा डिप्रैशन ज़्यादा आ गया तो मैं ड्यूटी गया हुआ सी तो छोटा भरा खेतों वाल गया वा उधर उन्होंने ता करके बाद पिछों पता लग्या भी उन्होंने इदा कर लिया दवाई खा ली किन्ना करजा से कितनी देर तो नहीं दे पा रहे करजा तो देना पे सी एक किस्त सी जी ए वाली सी 3.5 लाख रुपया करजा सी ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਿੱਛੋਂ SGM ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ 4th time ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50-60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ MLA ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ MLA ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੋ MLA ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
किस गल से लोग ज़्यादा नाराज थे, किस गल से सब तो ज़्यादा खुश दिखे ने? मैं समझदा जी कि नाराजगियां तो कई बार कोई छोटे जाति कामों तो हो जाती हैं, कई बार थले वर्कर एक दूजे न हो जाती हैं जी। ये तो नाराजगियां हैं, तो नाराजगियां भी यहोजी होंगे कि जो जाके एक बार पूछिए तो नाराजगी दूर हो जाती है। पर खुश इस गलों है कि जिन्हें कम पिछले पंजा साल हुए है इन्ने पिछले 25-30 साल नहीं हुए। गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र इलैक्शन कमिशन वालों जारी की गई हदायतों से पहरा देंदिया जिला पुलिस वालों माड़े अंसर विरुद्ध चलाई गई स्पैशल मुहिम तहत अज तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान के दो मैंबरों नकदी असला ते चोरी के वाहनों समेत काबू किया गया है। जानकारी देते हुए डॉ नरेंद्र भार्गव IPS सीनियर कप्तान पुलिस फिरोजपुर ने दसिया कि CIA के SI तारा सिंह समेत साथी कर्मचारियों ने गश्त दौरान मुखबर की इतलाह से यह कार्रवाई की है। उन्होंने दसिया कि दोषियों की पहचान विक्रम पुत्र टेकचंद और अरुण भट्टी पुत्र मंगल सिंह वासियान पिंड बारी के वजो हुई है, जिन्होंने समेत कार काबू किया है। इन्होंने पासों 80,000 रुपए की जाली करंसी, एक पिस्तौल मार्का चाइना समेत 25 जिंदा रौंद, 15 मोबाइल, एक डोंगल, 100 फुट रस्ता प्लास्टिक, एक कार मारुति 800 रंग ग्रे बरामद किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य चोन अधिकारी पंजाब ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 25 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰ, 3 ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਸਾ, 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਡੋਂਗਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਐਮੋਨਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਗੜ੍ਹਚੋੜ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚੋੜ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਹੈ, 60% ਦੇ ਲਗਭਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ
दे पंजे ते चाड़ लिया जावे, लेकिन चढ़े नहीं, दलित वर्गां दे लोक चढ़े नहीं। और कांग्रेस दे ए जिहड़ा मुख्यमंत्री दा चेहरा चन्नी जी, ये इत्थे आके लेलड़ियां कढ़दे रहे दुआबे च। इन्हां ने पहली लेलड़ी कढ़ी कि मेरी कांग्रेस सरकार नूं बहुजन समाज की सरकार मन्नो, लोकां ने नहीं मन्नी, बहुजन समाज ने नहीं मन्नी। फिर इन्हां ने कहा आखरले दिनां च कि दुआबे वालिओ मैनूं अडोप्ट कर लो। लेलड़ियां कढ़ियां जलंधर आके दुआबे वालिआं ने, वह भी अडोप्ट नहीं किया। फिर इन कंसुआं चलाईयां चन्नी ने, कांग्रेस की साजिश सी कि चन्नी नूं आदमपुर की सीट तो इलैक्शन लड़ा के दो सीटा लड़ा के ता जे जिहड़ा दुआबे का जिहड़ा दलित भाईचारा जिहड़ियां 23 सीटा आ और 23 दियां 23 सीटा का आलार अज बसपा श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ वल है, किसी तरह इनू डेंट पाया जाए। लेकिन चन्नी मुख्यमंत्री सी मैदान छड़ के भज गया और ऐलान की करता सी 36,000 मुलाजम पक्के करांगा, 5-5 मरले दे प्लाट देंगा, लाल लकीर वाले कब्जियां नू रजिस्ट्री देंगा। अज असी पुछना चाहुंदे आ किन्ने मुलाजम पक्के होए, थोड़ा झूठ नंगा बेनकाब हो गया। 5-5 मरलिया के किन्ने प्लाट होए, थोड़ा झूठ बेनकाब हो गया। लाल लकीर के कब्जे दी रजिस्ट्रियां किन्नियां दित्तियां, थोड़ा झूठ बेनकाब हो गया। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।